हेलो दोस्तों, और आज हम जा रहे हैं नत्था टॉप और पत्नी टॉप। और ये खड़ी है हमारी गाड़ी, और चलो चलते हैं, मिलते हैं आपसे रास्ते में। और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल हरियाणा राइडर सोनू पे। और आज हम घूमने जा रहे हैं पत्नी टॉप और नत्था टॉप। आज हम आपको दिखाएंगे पत्नी टॉप के साथ साथ नत्था टॉप, और वहाँ में जो अभी बर्फ़ के जो खूबसूरत वादियों के बीच के दृश्य हैं वो। और बहुत ही जल्द हम पहुंचने वाले हैं नत्था टॉप और दिखाएंगे वहां के व्यू। और चलो चलते हैं। और आज हम ये कह सकते हैं कि हम आए हैं आज एक फैमिली ट्रिप पे। और दोस्तों, J&K पुलिस कह रही है कि अगर आपकी ऑनलाइन होटल बुकिंग है तो आप जा सकते हैं, वरना जाना मुश्किल है। तो पहले ऑनलाइन बुकिंग करवा लेते हैं, ये फंडा ख़त्म करते हैं। लाडले भाइयों, बच्चों का एक्साइटमेंट आप देख ही सकते हैं। बर्फ़ दिखते ही इन्होंने शोर शराबा मचाना कर दिया शुरू। और हम पहुंच चुके हैं पत्नी टॉप, लेकिन अभी यहाँ देखते हैं, पहले चलते हैं नत्था टॉप, उसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत लेट हो चुके हैं। लगभग 12:30 बजे हम पत्नी टॉप पहुँचे हैं, तो देखते हैं आगे जैसे भी प्रोग्राम बनता रहेगा आपको पता लगेगा। तो लेकिन जितनी बर्फ़ होनी चाहिए उतनी बर्फ़ मुझे लग रहा है कि है नहीं। बाकी ऊपर चल के देखते हैं नत्था टॉप में कितनी बर्फ़ है। और यहाँ से राइट टर्न लेंगे तो हम चले जाएंगे पत्नी टॉप, लेकिन हमें जाना है नत्था टॉप, तो हम लेंगे यहाँ से लेफ़्ट। और ये हम हो चुके हैं लेफ़्ट साइड, और हम इसी के साथ पहुंच जाएंगे नत्था टॉप। और यहाँ से नत्था टॉप का रास्ता स्टार्ट हो गया, उससे आगे है सनासर, लेकिन हम जाएंगे सिर्फ नत्था टॉप तक। और व्यू काफ़ी अमेजिंग होने वाले हैं, देखते हैं। और ये आगे जो गाड़ी जा रही है ये भी हमारी है, तीन गाड़ियाँ हैं, एक आगे है, बीच में है, और एक में हम। लाडलो, हम पहुंच चुके हैं नत्था टॉप, और कुछ एक देर में पहुंचने वाले हैं हम टॉप पे। और बच्चों की आवाज़ें सुनकर या इनकी जो शोर शराबे की आवाज़ें हैं वो सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ही खुश है और इन्जॉय करने आए हैं, इन्जॉय करिए। लाडलो, जाम लगा हुआ है क्योंकि गाड़ियां फंसी पड़ी हैं, बर्फ़ जमी हुई है और गाड़ियां कर रही हैं स्किट, तो इसलिए जाम लग रहा है। अभी ड्राइवर साहब भी बोल रहे हैं मैं आपको छोड़ के थोड़ा नीचे की साइड आ जाऊंगा, क्योंकि अगर गाड़ियां ऊपर फंस गई तो दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा। और बर्फ़ दोस्तों इस साइड तो बहुत ज़्यादा है, और व्यू देखिए बहुत ही खूबसूरत। और जो ऊपर नत्था टॉप की जो पहाड़ी है वहाँ का व्यू तो मेरे हिसाब से अमेजिंग होने वाला है। और पेड़ों पे पड़ी हुई सभी पे। भाई मैं दीदी पेड़ पे। देखा उसको आगे लगाया ना। हाँ। तो अगर हम आगे होते ना। हाँ। तो उन्होंने बोला था आगे कहाँ ले जाके दिया तू। गाड़ियाँ फंस चुकी हैं जाम में, और यहाँ से आगे का सफर हमें करना पड़ेगा पैदल तय। तो चलो चलते हैं पैदल आगे की तरफ। तो चालन में भी हो रही है दिक्कत भाई, और गाड़ियां ही गाड़ियां फंसी पड़ी हैं। ये देखियो, एक यो शायद किसी फौजी अफसर की गाड़ी है, ये देखो फंसी पड़ी है। और जैसा हमने सोचा था ऊपर टॉप के व्यू, वो व्यू कुछ अल्टीमेट होने वाले हैं, क्योंकि जो अभी तक के व्यू हैं बहुत ही अमेजिंग। बर्फ़ बहुत ज़्यादा इस साइड, ये देखिए गजब। मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इधर आते हैं तो खाना वगैरह नीचे किसी ढाबे पे खा के आए, क्योंकि यहाँ पे खाने पीने का ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं ऊपर टॉप का व्यू, और रास्ता बहुत ही है ख़राब, और
सांस चढ़ रहे हैं दोस्तों, बर्फ बहुत ज़्यादा है और ऊपर से जो चढ़ने का रास्ता है वो काफ़ी स्लिपरी, तो बहुत ही देख के ऊपर चढ़ना पड़ता है। और रास्ता देखिए, ओहो थोड़ा साइड से निकलना पड़ रहा है। ये सोनाली, बच्चों ने बर्फ मार मार के जूतों के अंदर घुसा दी बर्फ, और मेरे ख्याल से गम बूट डालने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। चलो चलो चलो, इस साइड इस साइड। हाय मथा टेक पता साले, चल तेरा वो भाई मौज कर दी उधे पिता में सारे को मार लिया हाय पिती देखी सर। और ये देखिए दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं नथा टॉप, और बर्फ से ढकी हुई खूबसूरत वादियाँ, और मैं आपका दोस्त आपका होस्ट सोनू कुमार। ऊपर चढ़ते चढ़ते होगी हालत ख़राब और सांस चढ़ गए, ओह और अभी हमें जाना है वो ऊपर और ऊपर। और ये देखिए खूबसूरत नज़ारे, वाव वाव। दोस्तों हवा शुरू हो गई है और मौसम हो चुका है ख़राब, तो फटाफट चलते हैं नीचे और जाके देखते हैं नीचे, उसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी है और सभी बच्चों ने बर्फ़ में खेलकर कपड़े कर लिए गीले, और सभी के लगभग शूज़ भी गीले हो चुके हैं। तो डिसाइड ये किया है कि अभी पत्नीटॉप नहीं जाएंगे, और वहाँ पर बर्फ़ भी इतनी नहीं है, तो अभी डायरेक्ट जाएंगे हम घर की तरफ। तो अभी हम निकल चुके हैं, तीनों गाड़ियां हैं साथ में, और जाके रास्ते में रुकेंगे कहीं चाय शाय पीते हैं, और उसके बाद देखते हैं किस टाइम तक घर पहुंचते हैं। अभी रुको, और ये हम आ चुके हैं पत्नी टॉप मोड़ पे, और यहाँ से निकल चुके हैं मतलब, तो अभी पत्नी टॉप जाने का प्रोग्राम हो चुका है पूरी तरह से कैंसिल। तो दोस्तों मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, आपका काम तो आपको पता ही है, वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय दोस्तों।